Good morning. Today we will read tea from Assam. Third part of the chapter, the glimpses of India. ये तीसरा पार्ट है आपको. पिछले दो पार्ट का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसको मैंने पढ़ा दिया बहुत अच्छी तरह से. आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से हर बात समझ में आ जाएगी. और इसको ये बाकी है तो इसको भी स्टार्ट करते हैं, फिनिश करते हैं. ये कहानी है ऐसे दो छात्रों की जो दिल्ली में रह कर के पढ़ते हैं, टू स्टूडेंट्स. उनका नाम है प्रांजल और राजवीर. प्रांजल और राजवीर नाम के दो स्टूडेंट्स ये दिल्ली में रह कर के पढ़ते हैं. और ये दोनों बच्चे क्या फील करते हैं, दोनों स्टूडेंट्स, इन्हीं की ये कहानी है. तो असम क्या है, चाय के लिए मशहूर है. दिल्ली में चाय नहीं होती है तो दिल्ली का रहने वाला आदमी जब चाय की बात सुनता है तो असम आता है प्रांजल के यहाँ आता है. इसीलिए राजवीर को उसे जानना है कि चाय की जो फैक्ट्री होती है, जो कारखाना होता है जहाँ चाय पैदा होती है, वो कैसा क्षेत्र होता है जानने के लिए. तो छुट्टी है गर्मी की, कोई छुट्टी है मान लीजिए, उस छुट्टी में समर वेकेशन है. तो प्रांजल गोज टू राजवीर्स हाउस टू नो अबाउट टी प्लांटेशंस. सो दिस इज द चैप्टर. ये प्रांजल और राजवीर की कहानी. प्रांजल है असम का और राजवीर है दिल्ली से. तो ये राजवीर जाता है प्रांजल के साथ, उसे देखना है चाय की खेती कैसे होती है, टी प्लांटेशंस होते हैं तो वे कैसे होते हैं. दिस इज द स्टोरी. सो चैप्टर स्टार्ट्स. चाय गरम गरम चाय. ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस. ये रेलगाड़ी का सीन है, ट्रेन में लोग हैं ये दोनों स्टूडेंट्स. चाय बेचने वाला आया, इस तरह से बोलता हुआ उन लोगों को मिला. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्ट. चाय साहब, गिव अस टू कप्स, प्रांजल सेड. प्रांजल ने दो कप चाय का आदेश दिया. दे शिफ्ट द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. भाप निकलते हुए गर्म चाय को उन्होंने पिया, सिप किया. ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू. लगभग सारे लोग वहाँ चाय पी रहे थे. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड. राजवीर पूछा, प्रांजल जानते हो लगभग 80 करोड़ कप ऑफ टी ये डेली लोग पी जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड. एक दिन में 80 करोड़ कप चाय पी जाती है पूरी दुनिया में लगभग, राजवीर बोला. व्यो, एक्सक्लेम्ड प्रांजल. प्रांजल बोला, वाओ गजब, टी रियली इज वेरी पॉपुलर. वाकई में चाय बहुत पॉपुलर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. प्रांजल बडीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. वो जो किताब पढ़ रहा है, जासूसी किताब, उसमें ध्यान लगाया. फिर राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. ये दोनों जासूसी कहानी पढ़ने में मास्टर हैं, बहुत इंटरेस्ट आता है दोनों को. बट एट द मोमेंट ही वाज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी. बट दैट टाइम राजवीर वाज लुकिंग ऑन द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ असम. इट वाज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. राजवीर ने नोटिस किया कि हर जगह हरा हरा है. राजवीर हैड नेवर सीन सो सच ग्रीनरी बिफोर. ऐसी हरियाली उसने पहले कभी नहीं देखी. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेज. और तब सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स जो थे, पैडी का जो खेत था, उससे हट गया वहाँ का सीन और वो टी बुशेज के तरफ बढ़ गया. मतलब उस क्षेत्र में पैडी की खेती नहीं होती थी, वहाँ टी बुशेज थे, चाय की झाड़ियाँ. इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see, dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy, shade trees and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. ये वहाँ पर ये चाय के जो कुछ पेड़ बड़े थे, उन पेड़ के नीचे ही चाय की खेती, बड़े और छोटे इस तरह से प्लांटेशन किए गए थे कि टॉल स्टडी शेडी ट्रीज. ये हर तरह का ये शेडी पेड़ वहाँ पर है और शेडी पेड़ के नीचे ये चाय की खेती है. तो ये सीन है असम का. राजवीर देख रहा है आउट ऑफ द विंडो ऑफ द ट्रेन. देन
In the distance was an ugly building with a smoke billowing out of tall chimneys. और बहुत दूर नज़र से दिखाई पड़ा कि एक अगली बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया तो नहीं है, बढ़िया, लेकिन उसमें से धुआं निकल रहा है। हे ये टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। देख करके बोला राजवीर, वही ना रहा टी गार्डन, प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। प्रांजल के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो पहले से ही देख रहा है क्योंकि वही वाज बॉर्न इन दैट एरिया। ओ दिस इज टी कंट्री नाउ, ये चाय का क्षेत्र है। ही सेड असम हैज द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू एट लाइफ टाइम। तो यहाँ इतना गार्डन देखोगे पूरा लाइफ लॉन्ग तुमको याद रहेगा। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लीजेंड्स। व्हाट लीजेंड्स, कोई नहीं कह सकता है कि चाय की खोज करने वाला सही मायने में पहला आदमी कौन था, बट इसके विषय में कहावत बहुत है, लीजेंड हैं, स्टोरीज हैं। व्हाट लीजेंड्स, कैसी कहानियाँ। वेल दैट इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। एक चाइनीज एम्परर के विषय में कहानी है जो पानी पीने के पहले बॉयल किया करता था पानी को। वन डे फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इन टू द वाटर गिविंग इट ए डेलिशियस फ्लेवर। एक दिन पेड़ की कुछ पत्तियाँ उसमें गिरी और वो जो पिया उसने उसको गर्म करके, उसे बहुत अच्छा लगा पीने में। इट इज सेड दे वेयर टी लीव्स, कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियाँ थीं और उसी समय से चाय पीने की परंपरा शुरू हो गई। टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल। प्रांजल बोला कि फिर से बोलाओ, कुछ और बताओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, बुद्धि धर्मा, बोधि धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्केटिक। एक प्राचीन बुद्ध मॉन्क, बुद्धिस्ट मॉन्क था जिसका नाम था बोधि धर्म। कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। अपनी आँख की जो सट जाती है, जो बंद होती है आँख, उसको उसने काट दिया, ऊपर से छील दिया ताकि उसकी आँख बंद नहीं हो, क्योंकि उसको मेडिटेशन में नींद आ जाती थी। उसने आईलिड को ही बाहर कर दिया। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, और उसी आईलिड में से 10 टी प्लांट्स पैदा हुए। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। जब भी इनकी पत्तियों को पियोगे गर्म करके तो उससे नींद भाग जाती है। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। पहली बार चाय पी गई चाइना में एज फार बैक एज 2700 BC। ये 2700 BC की बात है। इन फैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। चाइनीज का ही वर्ड है चीनी और चाय। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। वहाँ शौक की चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा इसको मेडिसिन के रूप में स्वीकार किया गया। तो कहाँ पर, पश्चिम जगत में, यूरोप में चाय पी गई किस बात के लिए, तो मेडिसिन के रूप में। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। मरियानी जंक्शन पर पहुंच गई रेलगाड़ी, ट्रेन वहां पहुंची मरियानी जंक्शन पर। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। बच्चे चले गए अपना लगेज लेकर के प्लेटफॉर्म से बाहर। प्रांजल्स पेरेंट्स वे आर वेटिंग फॉर देम। सुन दे वे आर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकिया बाड़ी नामक की तरह जाने लगे वे लोग। द टी गार्डन मैनेज बाई प्रांजल्स फादर, प्रांजल के पिता का टी गार्डन है। एन आवर लेटर द कार वीर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, द क्रॉस्ड लिटिल कैटल ब्रिज एंड इंटर्ड ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट। वे लोग ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट में पहुँचे। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वी आर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेज। वहाँ ग्रेवल रोड के चारों तरफ ही एकर ऑफ एकर में टी बुशेज थे। ऑल नीटली प्रंड टू द सेम हाइट, सबको काट करके एक हाइट का बनाया गया था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, चाय की पत्तियाँ तोड़ने वाले वहाँ थे। विथ बम्बू बास्केट, बांस की टोकरी थी उनके पीठ पर। बैग्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन, प्लास्टिक के कपड़ा पहने थे वे लोग। वी आर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, वो नई नई फूटी हुई कोपल जैसी पत्तियों को तोड़ रहे थे। प्रांजल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। चाय पत्तियों से भरी हुई ट्रेलर को जाने के लिए प्रांजल के पापा ने गाड़ी को स्लो किया। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड इजेंट इट मिस्टर बड़ुआ, राजवीर आस्ट। राजवीर पूछे बड़ुआ से, बड़ुआ कौन हुए, तो पापा हुए उसके, प्रांजल के। पूछे कि ये सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड, ये दूसरा सीजन है स्प्राउटिंग पीरियड का, इसमें नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं चाय में। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड इट्स द बेस्ट टी। इस मौसम में ये मई से जुलाई तक होता है
और उसमें बढ़िया चाय प्राप्त होती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के पापा पूछे कि आप यहाँ आने के पहले शायद चाय के विषय में बढ़िया से पढ़ करके आए हैं, होमवर्क अच्छी तरह से करके आए हो। यस मिस्टर बड़ुआ, राजवीर एडमिटेड, स्वीकार किया, एडमिट किया, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं चाय के विषय में काफ़ी पढ़ करके आया हूँ, ये बोला प्रांजल का दोस्त राजवीर। बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर, लेकिन मैं इसे ज़्यादा जानने वाला हूँ, मैं इसीलिए आया हूँ, चाय के विषय में जानना है। तो चैप्टर फिनिश करते हैं और क्वेश्चन आंसर आपको इसके बाद वाले वीडियो में अपलोड करेंगे सारे चैप्टर्स का एक बार बना करके अच्छी तरह से, और आपकी सारी समस्या का समाधान मैं करूँगा, और एग्ज़ाम के पहले मैं गेस्ट भी तैयार करूँगा जो आपको निश्चित रूप से बहुत ही हेल्पफुल होगा, सर्टेनली उससे आपको बहुत ही फायदे होंगे। तो प्लीज़ कीप इट व्यूइंग एंड हैव ए नाइस डे, थैंक यू।